Hello students, it's Vishalini here. We are continuing with the class 10th, chapter 14. This is 14.4 exercise. Just we have a graph seekhne hai, less than object and more than object. So, I'm less than object bata rahi hu. Ye median ka hi ek part hai. So, median by formula aapne pichle video mein seekhi tha. Ab hum graph iske seekh rahe hain. Aapko question first mein given hai, 14.4 ka first question. The intervals hai 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180. और आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो लेस देन का मतलब क्या होता है? लेस देन टाइप ऑब्जेक्ट में क्या करना है, आपने देखना है 100 से 120, यानी 120 से कम कम है सारे. कितने हैं 120 से कम? 12. तो मैंने यहाँ 12 भी लिख दिया सी एफ में. फिर देखना है 140 से कम कितने हैं. 140 से कम में ये भी तो आएंगे ना ऊपर वाले 100 से 120 भी, क्योंकि 140 लिमिट है. तो इसमें इसको भी काउंट करूँ तो क्या बन जाएगा, 12 + 14 = 26. सिमिलरली लेस देन 160 में सारे आ जाएंगे ये तीनों लाइनें, इट मीन्स कि 12, 14 और 8 तीनों को ऐड करके 34, और उसके बाद 180 से लेस में चारों को ऐड करूँगी, दिस इज 40. और उसके बाद यहाँ पर है 180 to 200, उसमें क्या आया है 200 से लेस वाले सारे के सारे होंगे, जितने भी हैं 50 के 50. जैसे आप सी एफ निकालते थे वैसे ही मैंने लाइन सी एफ की निकालती. ओके, अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करूँगी? जो मुझे फ्रिक्वेंसीज है मुझे पता है 50 तक मैक्सिमम, तो मैंने यहाँ 5-5 के गैप लेंगे. अगर इससे ज़्यादा होगी तो आप गैप बड़े कर देते हो, 50 का ले सकते हो, 100 का ले सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आप इसे एडजस्ट करोगे. उसके बाद है आपका नीचे क्या लोगे आप, जो ये लेस देन टाइप है 120 140 160 180 200, ये मैंने नीचे ले लिया. तो पहला मेरा कितना है 120 के सामने है 12, यानी 120 के सामने मैं 12 कहाँ ड्रॉ करूँगी, मेरा 12 ये रहा. उसके बाद है 140 के सामने है 26 कहाँ पर है, यहाँ पर. नेक्स्ट है 160 के सामने 34 कहाँ पर है, यहाँ पर. और 180 के सामने 40 कहाँ आ रहा है, इस जगह पर. लास्ट है 200 के सामने 50 कहाँ जा रहा है, यहाँ. फिर मैं इसका इन सबको ज्वाइन करके एक कर्व ड्रॉ कर दूंगी जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है. ठीक, अब मुझे ये मैंने लेस देन टाइप ऑब्जेक्ट तो ड्रॉ कर दिया, बट मुझे क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है फाइंड मीडियन ऑफ दिस, तो मीडियन कैसे ड्रॉ करूंगी? यहाँ पर n कितना आया 50, तो n बाई टू क्या होगा 50/2, दैट इज 25 कहाँ लाई कर रहा है, ये रहा 25 के सामने एक स्ट्रेट लाइन लगाओ और उसको ऐसे नीचे की तरफ ले जाओ. ये आई थिंक 142 के करीब इसका आंसर आएगा, ये आपका आंसर होगा. मैंने एक्चुअली ग्राफ नहीं है, मेरा डॉटेड ग्राफ है, तो ये रफली ड्रॉ किया, इसलिए 142 के अप्रॉक्सीमेटली मीडियन आएगा. जितना भी मिड पॉइंट हो उसके सामने वाली कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या लोगे, एक्स एक्सिस की वैल्यू ले लोगे, वो आपका मीडियन होगा. आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल के चेक कर सकते हो. फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट प्लस n/2 - CF/F इंटू हाइट. कौन सी क्लास है आपकी, 25 कहाँ लाई करेगा, 26 वाली क्लास में. इसकी लोअर लिमिट कितनी है 120 प्लस n/2 - 25. CF क्या होता है, उसके ऊपर वाला कौन है 12, और उसके सामने वाला F कितना है 14, इंटू गैप कितने कितने का है 20 का. तो 120 प्लस 25 में से 12 है 13 अपॉन 14 इंटू 20. 120 प्लस 260 अपॉन 14. 120 प्लस 14 के टेबल पे क्या 14 बन जा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आपका 140 से लेस आ रहा है, यानी 138 के करीब आंसर आएगा. ओके, तो ये था आपका पूरा लेस देन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोर देन ऑब्जेक्ट क्लियर करूँगी, सारा एक्सप्लेन करके बताऊँगी.